हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं हूं यहां हैदराबाद में एक इवेंट के लिए और आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आया हूं मोटो G5 के बारे में। अब मोटो G5 इंडिया में लॉन्च हो गया है, दिल्ली के अंदर उसका लॉन्च इवेंट हो चुका है, हमारी वेबसाइट पे उसकी न्यूज कवर हो चुकी है, लेकिन इस डिवाइस का हैंड्स ऑन मैंने पहले ही कर लिया था बार्सिलोना में, तो ऐसे में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भी इस डिवाइस के ऊपर जो भी हम वीडियो बनाएंगे इसके लॉन्च प्राइस के बाद ही बनाएंगे। तो लॉन्च प्राइस जो है आ चुकी है मोटो G5 की और जो कि है तकरीबन 12,000 रुपए। 12,000 रुपए में इस फोन के अंदर आपको 3 GB की रैम मिलेगी, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो अगेन जैसे कि मोटो G5 प्लस के साथ हुआ था कुछ वैसा ही यहाँ पे लेनोवो ने किया है और इस फोन की प्राइस भी ज्यादा रखी गई है। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की, तो मार्केट में जो कंपटीशन फोन है जिसके साथ डायरेक्ट कंपटीशन होता है मोटो G5 का, वो है Redmi 3S। तो Redmi 3S में आपको Snapdragon 430 मिलता है और यहाँ पे मोटो G5 में भी आपको Snapdragon 430 मिलता है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इस प्राइस में, जिस प्राइस में मोटो G5 आपको मिलेगा, इस प्राइस में आप आराम से Redmi 3S तो ले ही सकते हैं, इवन आप Redmi Note 4 ले सकते हैं जिसमें आपको और बेहतर हार्डवेयर जो है मिल जाता है। एक और चीज, जो चीज यहाँ पे मोटो G5 की इतनी अच्छी नहीं है वो है बैटरी। तो 2800 mAh की बैटरी मिलती है जबकि 4000 mAh की बैटरी आपको Redmi 3S में मिल जाती है। तो देखा जाए तो कंपैरिजन के हिसाब से डेफिनेटली मोटो G5 जो है इतना अच्छा नहीं है अगर हम कंपेयर करें Redmi 3S से ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के बारे में। लेकिन और चीज अगर हम बात करें कि कैमरा जो है, अब कैमरा मोटो G5 प्लस में बहुत ही बढ़िया था और इस वजह से एक तरह से Redmi Note 4 से वो बेहतर हो गया था कैमरा में कम से कम, बाकी और चीजों में अगर वो कम भी रह गया था तो। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए मोटो G5 का जो कैमरा है वो आपको जो रियर कैमरा मिलता है वो f2.0 अपर्चर का है और जो फ्रंट कैमरा है वो f2.2 का है। तो ऐसे में कैमरा में ज्यादा कुछ खास नहीं है मोटो G5 में और मोटो G5 में वो वाला कैमरा नहीं है जो आपको मिलता है मोटो G5 प्लस में। तो डेफिनेटली यहां पे कैमरा के हिसाब से ये डिवाइस आउटस्टैंडिंग नहीं है। यहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है मोटो G5 का जो कि उसको बेहतर बना दे या किसी तरीके से मेरे को कन्विंस कर दे कि मैं आपको मोटो G5 जो है सजेस्ट कर दूं इस प्राइस पे, क्योंकि इस प्राइस पे डेफिनेटली Redmi 3S एक बेहतर ऑप्शन है जिसमें आपको बड़ी बैटरी, सेम हार्डवेयर और साथ ही साथ कैमरा भी ऑलमोस्ट डिसेंट कैमरा जो है मिल जाता है। और अगेन आपको और थोड़ा बेहतर कैमरा चाहिए तो आप Redmi Note 4 जो है ले सकते हैं। तो देखा जाए तो यहां पे जो प्राइसिंग है उस प्राइसिंग की वजह से इस डिवाइस की जो ओवरऑल अपील है वो थोड़ी कम होती हुई दिख रही है मेरे को यहाँ पे। अब बात करें और चीजों की, तो रेगुलर फीचर्स यहाँ पे है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, वाईफाई AC सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, GPS दिया गया है फोन के अंदर, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया है और अगेन आप चाहें तो इसका एक और हाई एंड स्टोरेज वेरिएंट जो है ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑटो फोकस की बात करें तो PDF का ऑटो फोकस मिलता है, 13 MP का रियर कैमरा है इस फोन के अंदर और आपको जो फ्रंट कैमरा है वो अगेन बहुत ज्यादा हाई मेगापिक्सल का नहीं है और क्लैरिटी जो है वो भी इतनी ज्यादा खास नहीं है। अगर आपको जानना है मोटो G5 के बारे में और बेहतर तरीके से तो आप हमारा हैंडसॉन वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने पहले ही बना दिया था और उस हैंडसॉन का वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि इस प्राइस पे मोटो G5 डेफिनेटली एक महंगा फोन है और आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अलग अलग तरह की लॉन्च ऑफर्स यहाँ पे दी गई हैं कि HTC के क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा और कैशबैक मिलेगा, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है अगर फोन इतना ज्यादा हाई प्राइस कर दिया जाए तो। डेफिनेटली मोटो G5 जो है रिकमेंड नहीं कर सकता मैं आपको इस प्राइस पॉइंट पे। अगर मोटो G5 लॉन्च होता 10,000 के अंदर तब भी मैं इसको रिकमेंड कर सकता था, लेकिन फिलहाल तो जिस तरह का कैमरा मोटो G5 में मिलता है और जिस तरह का हार्डवेयर और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और बाकी सब चीजें हैं उस हिसाब से देखा जाए तो मोटो G5 डेफिनेटली कंपटीशन से नीचे आ गया है और ऐसे में स्पेसिफिकेशन के मामले में तो Redmi 3S डेफिनेटली जीत गया है। लेकिन अगेन मोटो G5 का फुल रिव्यू हम करेंगे जैसे ही हमारे पास डिवाइस आ जाएगा और उसके बाद आपको और चीजें इस डिवाइस के बारे में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।